तो रायगढ़ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण फील्ड कोल बेनिफिकेशन की आवधानिक जन सुनवाई रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उसे लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि जिला मुख्यालय में भी कड़ा विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इनके अनुसार उनके क्षेत्र में इस कोल शावरी के अलावा TRN एनर्जी महावीर एनर्जी भी संचालित है, जिनकी वजह से करीब 800 ट्रक रोजाना चल रहे हैं। अगर फील्ड कोल बेनिफिकेशन उद्योग का विस्तार होता है तो 550 की संख्या में और ट्रकें चलने लगेगी, जिससे होने वाली बेहिसाब प्रदूषण और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ेगी। एक मिनट, हम 21 अप्रैल 2022 को फील कोल बेनिफिकेशन कोल वासरी का जन सुनवाई होना है, इसीलिए हम उसको उसी के संबंध में आपत्ति दर्ज करने आए हुए हैं। क्योंकि कोल बेनिफिकेशन मतलब कोल वासरी अगर हमारे क्षेत्र में खुलता है तो हमारे क्षेत्र के लोग बुरी तरह से बहुत मतलब बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए आपत्ति दर्ज करने आए हुए हैं। क्या मांगे आप? हम लोग मांग है कि वो 21 जो विस्तार करने जा रहा है कोल बेनिफिकेशन, वो विस्तार ना हो, मतलब बल्कि जो पहले से वहाँ पे खुल चुका है उसको भी वो निरस्त करें, उसको बंद कर दिया जाए। उसको बंद करना भी जरूरी है तो मतलब नया कोलवासरी वहाँ पे क्यों खोलेगा? क्योंकि अगर कोलवासरी नया उसका विस्तार करता है तो अभी की स्थिति में हमारे क्षेत्र में TRN एनर्जी, महावीर एनर्जी और कोल फील्ड का जो पहले चल रहा है उसमें लगभग 800 ट्रक चल रहे हैं। अगर ये कोल बेनिफिकेशन का विस्तार होता है तो उसमें और 554 ट्रक बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे क्षेत्र के लोगों का आवाजाही बुरी तरह से और भी मतलब बुरी स्थिति में फंस जाएगा, इसीलिए हम उसको आपत्ति दर्ज करने आए हुए हैं।